एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपको महेश कुमार बनवाल जी की पुस्तक कॉस्मोसिक पब्लिकेशन की एनसीईआरटी बुक से जीव विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका को पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम शुरू करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ये भी पूछा जाता है, पावर हाउस के को कहा जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद को नाम क्या है? तो क्रिप्स चक्र है। हमारे तंत्र के अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रिप्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है? तो प्लीहा में पाई जाती है। लिम्फोसाइट किस में पाई जाती है? तो प्लीहा में पाई जाती है लिम्फोसाइट। आगे किस जीव में लिंगून सूत्र नहीं पाया जाता है? तो छिपकली एक ऐसा जीव है जिसमें लिंगून सूत्र नहीं पाया जाता है। आगे जीव कोशिका में जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का सेल वॉल का अनुपस्थिति होता है। पित्त पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पित्त पिंड अंडाशय में पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है। आगे प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस कहते हैं क्या? तो वो होता है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो हरित लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका किस कोशिकांग में रहता है डीएनए उपस्थित होता है? तो होता है हरित लवक और माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। किस कोशिका को पाचन थैली कहा जाता है? तो किस कोशिका को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को पाचन थैली कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक होता है, टिशू। किस ऊतक में मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के तुरंत पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो होता है तंत्रिका ऊतक होता है। कौन सा भाग पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक, यह पादप और जंतु कोशिका में पाया जाने वाला भाग होता है। आगे हाइपर प्लासिया को क्या अर्थ होता है? तो हाइपर प्लासिया का अर्थ होता है कोशिका के अंदर में वृद्धि, कोशिका के आकार में वृद्धि होता है, हाइपरप्लासिया का अर्थ होता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉनसन ने किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया है? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने किया है। रिवर्स प्रतिलिपि का खोज किया है, टेमिन और बाल्टीमोर ने किया है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभावित कहते हैं। मतलब जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपा देता है तो उसका कहते हैं प्रभाविकता कहते हैं। आगे पुरुषों के शुक्राणु और महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी ओविडक्ट में संपन्न होती है। नेक्स्ट, कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव कहाँ है कहलाता है या किससे मिलकर बनता है? तो कोशिका द्रव केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। आगे नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो राइबोसोम, राइबोसोम होता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, मीन्स 23 जोड़े होता है। कौन सा तत्व पौधे में कोशिका भित्ति के संरचना का घटक होता है? तो होता है कैल्शियम,
कैल्शियम जो तत्व होता है कोशिका भित्ति की संरचना का प्रमुख घटक होता है। सबसे छोटी कोशिका झिल्ली कोशिका होती है कौन? जीवित कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को, प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है जीव द्रव। फ्रेंड्स, आप लोग बायो का इंग्लिश भी याद किया करें, क्योंकि कभी कभी बुक में इंग्लिश वर्ड दे देता है, तो आप अगर इंग्लिश वर्ड नहीं याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन छूट सकता है, इसीलिए आप इंग्लिश वर्ड भी याद किया करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरित लवक। हरित लवक कोशिकांग होता है जो केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विमान पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं कैरोलस लिनियस हैं। दो कोशिका के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव तंतु के माध्यम से होता है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है, जीव द्रव तंतु से होता है। किस तत्व के कोशिकाओं को एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? तो पोटेशियम के प्लस। पोटेशियम के प्लस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र है जो खुल जाता है। आगे, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान किया गया है? तो वो है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दिया गया है। आगे, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना की युक्ति मेब्रिड माइक मॉडल किसने दिया था? तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन, 1959 ईस्वी में दिया था। आगे, कोशिका झिल्ली सोइलवेल होता है तो पारगम में होता है। कोशिका झिल्ली एक पारगम में होता है, झिल्ली एक वॉल होता है जो पारगम में होता है। आगे देखते हैं, एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये बॉक्स को आप पूरी तरह से कंठस्थ याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, और इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन इससे हमेशा पूछते ही रहता है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिक होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसे ऑस्ट्रिच कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को कहते हैं सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु होती है, ओवम होती है, जो केवल स्त्रियों में होती है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो था बड़ी कोशिका, अब यहाँ सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की न्यूरॉन होती है जो सबसे लंबी कोशिका होती है। अब पुरुषों की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, जो स्पर्म होता है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? फोलिया कहते हैं। सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है कार्लेपोटैक्सी फोलिया कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द आऊँगा, जो कोशिका का ही 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।